तक क्लास चल रहा था 10/7/1967 सोमवार को दूसरे पेज की मध्यांत में बात चल रही थी। तो वो कितना बैठ करके बाप समझाते हैं और ये भी जानते हो बच्चे कि पढ़ाई में ये बहुत ही मेहनत चाहिए। कौन सी मेहनत है, कौन सी मेहनत बताइए? ज्ञान की गहराइयों को समझने की बहुत मेहनत चाहिए। एक तो ये मेहनत सिर्फ ये है कि अपनी जो आत्मा पवित्र बन गई है वो सिवाय यादि के तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बन सकती। और याद करने के लिए कौन चाहिए जिसकी याद से आत्मा पवित्र बन जाए? ऐसा चाहिए जो एवर प्योर हो। एवर प्योर दुनिया का वासी हो, कौन है? शिव बाप है एवर प्योर दुनिया का वासी, आत्मलोक का वासी। कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, उससे ऊंचा धाम कोई होता नहीं। तो क्या सदा वहां का वासी है? है? अरे नाम है सदाशिव तो सदा का वासी होना चाहिए ना? है? है? अरे सदा का वासी है नहीं है, सदा वासी है। अच्छा फिर ये पति दुनिया में आने की क्या दरकार है जब सदा काल के लिए पवित्र धाम का वासी है? क्योंकि पतित दुनिया को पावन बनाना ही उसका काम है। तो पावन कैसे बनाता है? क्या चीज है उसके पास पावन बनाने की? है जैसे सुनार होते हैं सोने को पवित्र बनाते हैं, तो उनके पास क्या होता है जो पवित्र बनता है सोना? अरे क्या होता है? अच्छा सोनार लोगों के पास अखूट भंडार होता है। काहे का अखूट भंडार होता है? है? ज्ञान का सुनारों के पास है आग का भंडार होता है। अच्छा उनके पास आग का भंडार होता है अखूट है। बताया योग से पवित्र बनती है आत्मा है। तो एक होती है योग अग्नि और एक होती है काम अग्नि। तो काम अग्नि से आत्मा अपवित्र बनती है
और योग अग्नि से पवित्र बनती है। काम अग्नि कहां से शुरू होती है? है कहते हैं द्वापर युग से। जब इब्राहिम आया तो काम अग्नि की दुनिया शुरू हुई, उससे पहले तो योग अग्नि थी या काम अग्नि थी, क्या कहेंगे? हाँ, उससे पहले काम अग्नि थी, वाह भाई, उससे पहले देवात्माओं की दुनिया थी, वो तो हमेशा याद में ही रहते थे, है? थे तो भल शरीर, पांच तत्वों का शरीर तो था, भले सात्विक तत्वों का था, लेकिन आत्मा थी ना, तो दोनों का योग रहता था, शरीर धारी आत्मा की स्मृति में रहता था। तो योग अग्नि थी या काम अग्नि थी देवताओं में? योग अग्नि थी। फिर जब से ये धर्म पिताएं आए दूसरे दूसरे धर्म के, तो वो तो आत्मा अभिमानी होते हैं कि काम विकार को बढ़ाने वाले देह अभिमानी होते हैं, है? देह अभिमानी होते हैं ना, देह के अंगों को ज्यादा महत्व देते हैं ना, क्या सुख लेने के लिए उन्हें आत्मिक स्थिति चाहिए या देह चाहिए, देह के अंग चाहिए, क्या है उनके लिए अनिवार्य अगर सुख भोगना है तो? है देह। तो वो देह अभिमानी धर्म पिताएं जब से आए उनके संग के रंग से देव आत्माएं पतित बन गई। ऐसे नहीं कि उससे पहले पतित नहीं बनी थी, लेकिन पता नहीं चलता था, क्योंकि जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, कौन सा भारी है कौन सा हल्का है ये कैसे पता चलता है? एक पलड़ा नीचे बैठ जाता है या थोड़ा नीचे होता है तो समझते हैं ये भारी है और दूसरा वाला हल्का। तो योग अग्नि जिनमें थी देव आत्माओं में, आत्मिक स्मृति में पक्के थे, वो योग अग्नि उनकी हल्की हो गई, पलड़ा हल्का हो गया और देह अभिमानियों के संग में आने से पहला पहला धर्म पिता कौन आया? इब्राहिम। बस देवान बढ़ गया। पहले किसका बढ़ता है देवान? कोई तो मुखिया होना चाहिए शुरुआत करने वाला, है? अरे कोई होता है या नहीं होता है? है पहले पहले आदम, वाह, उसमें देवान आता है। अच्छा मुसलमान लोग तो कहते हैं कि आदम और हव्वा को अल्लाह मियां ने जन्नत में भेजा, ताकीद कर दिया था कि ये ऐसे नहीं करना, तो उन्होंने वैसे ही कर लिया। आप तो घड़ी घड़ी बदल जाते हैं। तो हव्वा की नीयत खराब हो गई, है? संग के रंग में आके नीयत खराब हुई कि ऐसे ही? है संग के रंग में आने से नियत, किसके संग के रंग में नियत आने से खराब हुई? है माया, माया बेटी है ना, बेटी कहते हैं ना माया को, माया बेटी में ज्यादा पावर होती है,
और प्रकृति माता में कम पावर होती है क्या? प्रकृति जो सारे जगत की माता है, सारा जगत प्रकृति के वशीभूत होता है, तो वो कम पावरफुल होती है, है? बहुत बच्चे पैदा करती है ना, माता है ना, बड़े थे बड़ी तो कमजोर हो जाती है, बुद्धि कमजोर हो जाती है। और जो पहली बच्ची पैदा हुई उसका नाम है माया बेटी। तो माया बेटी जो है पवित्र बुद्धि होगी माँ के मुकाबले या अपवित्र बुद्धि होगी? है पवित्र बुद्धि होती है तो हाँ, तो पवित्र बुद्धि होती है। सतयुग त्रेता में स्वर्ग में देवताओं की पवित्र बुद्धि होती है, फिर द्वापर में ऐसा क्या हो जाता है जो अपवित्र नहीं जाती है? है क्योंकि वो माया बेटी जब इस सृष्टि पर देव आत्माएं उतरती हैं, तो ऊपर से आने वाली आत्मा पावरफुल को पकड़ेगी या कमजोर को पकड़ेगी? क्या ऊंचते ऊंच बाप को जरूर ऊंचते ऊंच में प्रवेश करना पड़े, नियम बना दिया? क्या जितनी ऊंची आत्मा होगी उतनी शक्तिशाली में प्रवेश करेगी? तो बताओ पवित्रता की पावर में ज्यादा शक्तिशाली कौन हुई? है जो बाप से भी टक्कर ले लेती है, परमपिता से भी टक्कर ले लेती है, नहीं माया बेटी टक्कर लेती है। तो माया बेटी को जब इब्राहिम कैप्चर कर लेता है, तो माया बेटी कहती है मेरे में ज्यादा पावर होनी चाहिए, तो परमपिता के परिवार को ध्वस्त करने की सोचती है। क्या मैं दुनिया का मालिक बनूंगी, कंट्रोलर बनूंगी? है जो परिवार है दुनिया का, इसका कंट्रोलर कमजोर को बनना चाहिए या पावरफुल को बनना चाहिए? है किसको बनना चाहिए? पावरफुल को बनना चाहिए। तो माया बेटी को क्या उस समय बाप याद रहता है? है बाप तो याद नहीं रहता कि बाप भी कोई है इस मनुष्य सृष्टि का, वो तो पता ही नहीं चलता है। द्वापर में भी नहीं, कलयुग में भी नहीं, सतयुग में भी नहीं, त्रेता में भी नहीं, कि मनुष्य सृष्टि का मुखिया बड़े थे बड़ा हीरो पार्टधारी कौन है ये तो किसी को पता नहीं रहता। तो बस वो चाल चलती है क्या? वो माता है सो मनुष्य सृष्टि में द्वैतवादी द्वापर युग आते आते उस माता को हाथ कर लेती है, माने हाथ मिला लेती है। यह हाथ मिलाने की जो परंपरा है वो कहां से शुरू हुई? है ये माया बेटी जो है ना, ये बुद्ध रूपी हाथ मिलाती है। है कहां से शुरुआत करती है? है वो किससे बुद्ध रूपी हाथ मिलाती है? संग श्रीमत पर चलने वालों से हाथ मिलाती है या श्रीमत पर न चलने वालों पर हाथ मिलाती है? कोई भी हो,
उसको तो डायरेक्शन मिला हुआ था डायरेक्टर का, क्या जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं क्या करो है, उनको खूब भटकाओ। तो बुद्धियोग से ही भटकाएगी। तो श्रीमत पर न चलने वालों में अब्बल नंबर किसको कहें? और श्रीमत क्या है? श्रीमत क्या है? अब्बल नंबर श्रीमत क्या है वो ही नहीं पता। अव्वल नंबर श्रीमत है पवित्रता, अव्वल नंबर श्रीमत है अपन को आत्मा समझो। क्या पहली पहली श्रीमत क्या है? अपन को पहली पढ़ाई है। तो जो प्रकृति है वो तो पांच तत्वों का संघात है। पांच तत्व जड़ है या चैतन्य है? जड़त्वमयी है ना। तो प्रकृति जो स्वरूप है वो जड़ बुद्धि है, इसलिए आत्मिक स्वरूप को सबसे पहले भूल जाती है। क्या? और देहभानी सबसे जास्ती होने के कारण शक्ति छीण हो जाती है आत्मा की, या बनी रहती है छीण हो जाती है। तो कमजोर देख करके माया उस प्रकृति माता को हाथ कर लेती है। तो बताया अब किससे योग लगाएंगे, ये तो बता दिया कि माया क्या है, है? माया है कमजोरी। या ऊपर से आने वाले धर्म पिता हैं, भले पावरफुल आत्माएं उतरती हैं परम धाम से, लेकिन कोई में भी प्रवेश कर सकती है क्या? कोई में भी, कोई कोई भी कैप्चर कर सकती है क्या? नहीं, कमजोर होगा उसी को कैप्चर करेंगी ना, है? और ये भी देखेगा कि मेरे टक्कर की है कि नहीं। तो किस बात में कमजोरी देखी और किस बात में पावरफुल देखी, है? सिर्फ देवान की कमजोरी ही देखेगी आत्मा, या अपने समान पावरफुल आत्मा को भी देखेगी, है? तो अब सवाल ये है कि जो पांच विकारों का संघात है जिसे माया कहा जाता है, उससे योग लगाना है, प्रकृति से योग लगाना है जो पांच तत्वों का संघात है, या कोई और है इन दोनों को कंट्रोल करने वाला, उससे योग लगाना है? एक ही अक्षर में नहीं, द्वापर कलयुग में तो सब अज्ञानी होते हैं, क्योंकि मुख से कहते हैं शिव बाबा भारत में खास, लेकिन जिसको शिव बाबा कहते हैं उसको जानते हैं वो क्या है, है? एक है कि दो है, एक शरीर है कि दो शरीर हैं, एक आत्मा है कि दो आत्मा है, कुछ है जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते। तो जब आएगा
मुसलमान उसका नाम ही देते हैं खुदा। जब वो खुद आएगा बुलाने से तो आता नहीं, फिर भी मुसलमान चार पांच बार दिन में बुलाते रहते हैं, याद करते रहते हैं, तो वो बुलाने से नहीं आता है। जब आता है तो खुद आता है। और कब आता है? जब ये सारी दुनिया देह अभिमानी धर्म पिताओं से अच्छे से प्रभावित हो जाती है, खास भारतवासी, तब आता है। और आता है तो जैसे धर्म पिताएं पावरफुल को पकड़ते हैं, ऐसे वो भी किसको पकड़ेगा? पावरफुल को पकड़ेगा या कमजोर को पकड़ेगा? है पावरफुल आत्मा सारे षष्ठी रूपी रंगमंच पर पावरफुल आत्मा क्या लिखा पता है, वो पावरफुल आत्मा को जानता है क्या? जिसको मैंने कल पहले पावरफुल बनाया था सबसे जास्ती पावरफुल। और पावर क्या है? पावर क्या है? योग की पावर पहले है या ज्ञान की पावर पहले है? ज्ञान को भी तो बल कहा जाता है, योग को भी बल कहा जाता है, तो दोनों में ज्यादा पावरफुल क्या है? योग बल पावरफुल है, तो वो किसको पकड़ता है, किसको कैप्चर करता है, है? किसमें प्रवेश करता है? धर्म पिताओं का भी मालूम पड़ गया कि वो पावरफुल आत्मा में प्रवेश करते हैं। जो योग लगाने में कल पहले भी सबसे तीखी आत्मा थी, उस योगीश्वर को ही पकड़ता है। तो उसको दुनिया वाले कहते हैं शंकर, इसकी साकार मूर्ति भी होती है, जड़ नहीं चैतन्य मूर्ति, और उसका नाम शिव के साथ ही जोड़ा जाता है। तो लोग ये समझ लेते हैं कि शिव और शंकर एक ही है, क्योंकि आत्मा का तो उन्हें पता ही नहीं है, देह का पता है। कल पहले भी उन्होंने इस देह को ही याद करके मुक्ति, जीवन मुक्ति पाई थी क्या? आत्मा तो सूक्ष्म होती है ना, लेकिन जो देह अभिमानी होते हैं उनको आत्मा सूक्ष्म ज्योति बिंदु को याद करना कठिन होता है या सहज होता है? कठिन होता है ना, तो वो उस याद में तो टिके ही नहीं सकते। खास करके जो द्वैतवादी द्वापर युग से आत्माएं आती हैं, वो अपन को आत्मा समझने में भी मुसीबत उनको है, तो आत्मा सभी फिर बहुत मुसीबत से उस स्थिति में टिकती है अपनी आत्मा की स्मृति में। तो फिर आत्माओं का जो बाप है उसकी स्मृति तो कठिन है, क्यों? कि वो किस में आता है ये पहचानना ही तो सबसे बड़ा ज्ञान है। क्या ज्ञान? क्या है ज्ञान? माने जानकारी, पहचान। किसकी पहचान? कहते हैं खुदा निराकार है, निराकार की कैसे पहचान होगी? है कैसे पहचान होगी? अरे निराकार साकार तन में आएगा तभी तो पहचान होगी, तो कैसे पहचानेंगे? दुनिया में ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म भगवान का कैसे होता है? बता दिया, जो देखे
है, जो दो शब्द भी सुने तो देखने और सुनने मात्र से ही बुद्धि में बैठ जाए क्या? ये इस दुनिया की सबसे जास्ती पावरफुल सोल है। नाम तो सुना है सभी ने, दूसरे देश वाले दूसरे धर्म वालों ने भी सुना कि धर्म पिताएं बड़े पावरफुल होते थे, दुनिया की बड़ी बड़ी जेंट्री को अपने अंडर में कर लेते थे, लेकिन उसमें क्या ऐसी स्टेज देखते हैं सुप्रीम सोल में जिसमें आता है, उसको कैसे पहचान लेते हैं? सुप्रीम सोल तो निराकार शिव ज्योति बिंदु, उसको पहचानना कैसे होता है? क्या खासियत, क्या चीज है जिससे उन्हें पहचान हो जाती है, सभी दुनिया वालों को पहचान हो जाती है कि ऐसी स्टेज तो और किसी की नहीं हो सकती है। सोलह हजार के आधार पर पहचानते हैं। अरे सोलह हजार का तो हिसाब किताब राजाओं से कनेक्शन है क्या? सोलह हजार जो है वो 108 राजाओं को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माएं हैं, और राजाओं की राजा ही तो चलती है कलयुग के अंत तक, तो उन राजाओं को इस दुनिया में प्रत्यक्ष करने वाली या प्रत्यक्ष करने की शूटिंग करने वाली कलयुग के अंत की आत्माएं होंगी 16,000 आत्माओं को राजाओं को के सत्युग्रेता में होंगी। अरे 16,000 आत्माएं जो हैं वो कलयुग के अंत तक प्रत्यक्ष होती हैं राजघराने में काम करने वाली के सिर्फ सत्युग्रेता में। अरे राजा ही है ना, राजा ही किससे मिलती है? धर्म पिताएं तो कोई राजा ही का ज्ञान दे नहीं सके, वो तो आधीन बनाने वाले हुए, तो राजा ही का ज्ञान किसने दिया? अरे राजा ही का ज्ञान देने वाला है शिव बाप। सिर्फ बाप कहने से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बाप तो तीन तरह के होते हैं, लौकिक बाप, अलौकिक बाप, पारलौकिक बाप। तो कौन सा बाप? दो बाप बेहद के हैं दोनों, आत्माओं का बाप और मनुष्यों का बाप। तो जो आत्माओं का बाप है वो तो निराकार है, वो तो पहचान में आ ही नहीं सकता किसी को, क्यों नहीं आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता, कारण क्या है? बिना कारण के तो कोई काम होता ही नहीं, बताओ बताओ, दिमाग नहीं चलता। कुछ तो कारण होगा, शरीर कारण होता है, शरीर तो सबके पास है, 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के पास शरीर होगा है? बिंदु दिखाई नहीं देता, वो तो ठीक है, बिंदु दिखाई नहीं देता, वो बिंदु तो देवात्माओं को भी नहीं दिखाई देता जब तक उन्हें पहचान न दी जाए, और मनुष्यों को भी नहीं, ऋषि मुनियों को भी नहीं, राक्षसों को भी नहीं, वो तो ठीक है। तो जो दिखाई नहीं देता तो धर्म पिताओं को कैसे पहचान लेते हैं जो उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं? भागते हैं कि नहीं, कैसे पहचान लेते हैं? लो अरे भाई, ज्ञान
कॉन्सेप्ट है, उनमें ज्ञान होता है कि ये धर्म पिता की आत्मा है। हाँ, निराकारी स्टेज क्या, जो धर्म पिताओं की निराकारी स्टेज है, चित्र देखे हैं ना धर्म पिताओं के, है क्राइस्ट का चित्र देखा, बुद्ध का चित्र देखा, गुरु नानक का चित्र देखा, फोटो देखे ना, फोटो तो आ रहे हैं ना उनके परंपरा से, तो उन फोटो में क्या खास बात दिखाई पड़ती है उनके चेहरे से, है निराकारी स्टेज, ऐसे लगता है कि जैसे वो यहां है ही नहीं इस दुनिया में। तो ऐसी निराकारी स्टेज जो है वो ही निराकार को प्रत्यक्ष करती है कि ये निराकारी आत्मा है कोई पावरफुल। तो इस सृष्टि की जो सबसे जास्ती पार्ट बजाने वाली सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल निराकारी स्टेज का पार्ट बजाने वाली आत्मा कोई है या नहीं है, कोई नहीं। अरे है शंकर, सदा काल निराकारी स्टेज में रहता है, माने भागीदार का जन्म लिया तब भी वो निराकारी स्टेज में था। लड्डू इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो आत्मा जब से आती है और जब तक जाती है, जब तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाती है, सदा काल निराकारी स्टेज में रहती है। जिस मुकर्रर रथ में आती है तो उसे भी निराकारी बना देती है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जम दे जाम दे तो होता नहीं, क्या कहते हैं ना, अभ्यास तो कौनते है वैराग्यण च गृह्यते, अभ्यास करना पड़ता है आत्मा को याद करने का। तो उस सुप्रीम सोल जो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, गर्भ से जन्म नहीं लेता, इसलिए त्रिकालदर्शी है, तीनों काल का ज्ञाता होने से उसे पता है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सी वो आत्मा है हीरो पार्टधारी, जिन्हें जिसने जन्म जन्मांतर हीरो का पार्ट बजाया। जन्म जन्मांतर हीरो का पार्ट बजाया, हीरो का पार्ट बजाया क्या, हर जन्म में सम्राट बनती रही क्या, है महाराजा बनती रही होगी क्या, नहीं। तो गाते हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, माने जिस रूप में भी वो जो पार्ट बजाएगी तो राजाओं में भी सबसे श्रेष्ठ पावरफुल पार्ट बजाएगी और प्रजा वर्ग में भी पावरफुल पार्ट बजाएगी और दास दासी बनेगी तो भी पावरफुल पार्ट, चंडाल बनेगी तो भी है? उससे बढ़िया पार्ट कोई इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बजा ही नहीं सकता। हर हालत में हीरो, तो ऐसी आत्मा जो पार्टधारी है हर प्रकार के पार्ट में, हर प्रकार के संबंध में श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली, वो उसकी नजर में है। किसकी नजर में, किसकी नजर में, हा शिव की नजर में है। इसलिए तुलसीदास ने लिख दिया, ये ही जानो जिसको तुम जानते हो, ते ही देव जनाई, उसको तुम जानकारी दे देते हो। क्या जानते हो, जानते हो कि यही आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच बहुत पावरफुल है, तो उसको आकर के जनाई माने जानकारी दे देते हो। क्या जानकारी, उसकी आत्मा की जानकारी कि तुम देह नहीं हो, क्या हो, तुम आत्मा हो, और ऐसे भी नहीं
क्या जो दुनिया में कहते हैं शिवो अहम ब्रह्मास्मि, वो कोई दुनिया में देवताएं हों चाहे दैत्य हों मनुष्य हों, ऐसे होता है क्या? सच्चा कहते हैं क्या शिवो हम है? क्या उनमें शिव होता है? होता ही नहीं, तो शिव है वो हम कहना ही बेकार है। आत्मा सो परमात्मा, क्या सभी आत्माएं सो परमात्मा होती हैं? नहीं होती। ब्रह्मास्मि, अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर ये जो तीन नाम है त्रिमूर्ति देवताओं के, वो तो है ही सृष्टि के आदि के नाम, तो कोई ब्रह्मा कैसे हो सकता है? ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। अरे वो तो सारी सृष्टि को जो बनाने का मूल कारण है, ज्ञान का बीज डालने वाला, वो तो आता ही है इस सृष्टि में तब जब सबको अज्ञान हो जाता है। सारी मनुष्य सृष्टि अज्ञान अंधकार में डूब जाती है, एक भी ऐसा नहीं बचता जो अज्ञान अंधकार में न पड़ा हो कि मैं कौन हूं। क्या तो कब पता चलता है और किसको पता चलता है कि मैं कौन हूं? अरे कुछ पता चलता है कि नहीं, और कब पता चलता है? कुछ भी जवाब नहीं, फटाफट जवाब भी नहीं दे पाते। अरे इतने साल हो गए पढ़ाई पढ़ते पढ़ते हैं, कब पता पड़ता है? एक बात का तो जवाब आ गया कि अव्यक्त बाप दादा ने बोल दिया, माने दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल, ब्रह्मा ने ही बोल दिया। आखिरी स्टेज का ब्रह्मा या फर्स्ट स्टेज का ब्रह्मा है? आखिरी स्टेज का ब्रह्मा के द्वारा जब पांच मुख पार्ट बजाए लेते हैं तो आखिरी स्टेज का भी क्लियर होगा ना, तो वो पंचमुखी ब्रह्मा के द्वारा बता दिया। क्या जिसके द्वारा वेद मुख से निकले, क्या क्या किताबें निकली छपी हुई? नहीं, जैसे धर्म पिताओं ने आके ओरली ज्ञान सुनाया, ऐसे ही ब्रह्मा के मुख में प्रवेश करके वो शिव बाप ज्ञान सुनाते हैं। तो ब्रह्मा जो अनेकों के नाम है, उनमें जो लास्ट ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा में प्रवेश करके सारे वेद शास्त्रों का सार सुनाया और उस सार को, ज्ञान के सार को कौन पकड़ेगा है? अरे कोई पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? पहले कौन पकड़ेगा है? पहले कौन पकड़ेगा? कोई पकड़ेगा कि ऐसे ही सुनाता ही रहेगा जिंदगी भर? और कहां से जिंदगी भर सुनाता रहेगा? आदम कैसे पता चले कौन आदम है? आदम को तो धर्म पिताएं भी भूल गए, आदम आदम करते रहते हैं, आदम एडम है, जैनी लोग कहते हैं आदिनाथ, बोलते रहते हैं, जानते तो है ही नहीं है कौन। आदि में होगा तो अंत में भी होगा, आदि अंत में होगा तो मध्य में भी होगा, वो सारी सृष्टि में पार्ट बजाने वाला होता है। तो
कैसे पता चलता है? अरे अटक जाते। अरे ज्ञान से पता चलता है, जो ज्ञान और जो ज्ञान की गहराई, ज्ञान का सार है ना बिंदु आत्मा, तो उस सार को कौन पकड़ेगा? जो उस मनुष्य सृष्टि का सार बीज होगा वो ही पकड़ेगा ना। तो मनुष्य सृष्टि का सार या बीज सब धर्म वाले मानते तो हैं, आदम है, लेकिन वो कब होता है ये पता नहीं। तो बताया कि 5 दिसंबर को वो आत्मा संपूर्ण स्टेज में टिक जाती है। कैसी संपूर्ण स्टेज? निराकारी स्टेज। संपूर्ण का मतलब ये नहीं कि सदाकाल निराकारी, बस ज्योति बिंदु स्टेज बन जाती है। पहले तो अल्पकाल की ही बनेगी, तो जो भी ज्योति बिंदु स्टेज बनी तो शिव बाप जो निराकार आत्माओं का बाप है, उसको उसका मेल होगा या नहीं होगा? है उससे पहले होता है या बाद में? उससे पहले मेल नहीं हुआ? हुआ कहां हुआ? उसने पहचाना ही नहीं तो मेल कहां हुआ? पहचाना था क्या ओम मंडली में? नहीं पहचाना था, नहीं पहचाना था। तो 5 दिसंबर जो है वो तिथि निर्धारित की कि आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल और मनुष्य सृष्टि का बाप जो आदम है, जिसको गीता में अर्जुन नाम दे दिया, उसमें शिव का मिलन मेला हो जाता है। और जब मिलन मेला होता है निराकार प्रवेश करेगा है, मनुष्य सृष्टि का जो सार है बीज है, सार माने बीज ना, उस बीज में जब आत्माओं का जो सार है बाप है बीज है, वो शिव जब प्रवेश करता है तो पहचान के प्रवेश करता है ना, तो उसका संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? जिसमें प्रवेश करेगा है लगेगा ना, तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? गीता में तो बोल दिया है मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्, मेरी योनि रूपी माता महद ब्रह्म बड़ा ब्रह्म है, बड़े थे बड़ा महान थे महान, उसमें मैं बीज डालता हूं। क्या बीज डालता हूं? बैंगन का बीज डालता हूं कि आम का बीज डालता हूं? क्या बीज डालता हूं है? जो ये सारी मनुष्य सृष्टि में वो बीज नहीं है वो बीज डालता हूं। क्या बीज? ज्ञान का बीज। ये सारी मनुष्य सृष्टि में ज्ञान का बीज किसी के पास नहीं है कि मैं आत्मा कौन, मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कैसे जन्म लेकर पार्ट बजाती हूं, मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कितने जन्म पार्ट बजाया है, देव आत्माओं का पार्ट बजाया है, मनुष्यों का पार्ट बजाया है, मनुष्यों में श्रेष्ठ ऋषि मुनियों का पार्ट बजाया है या राक्षसों का पार्ट बजाया है, दुखदाइयों का, कुछ पता नहीं रहता किसी को। सृष्टि के आदि मध्य अंत का कुछ पता नहीं। कहते हैं मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ हुआ हा? क्या श्रेष्ठ हुआ? आज की दुनिया में अगर देखें तो समझते हैं क्या क्या बतावे यार, क्या काले नुमानियां कर गए,
बीए हुए, एमए हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। अरे ये क्या ज्ञान हुआ? ये कोई ज्ञान हुआ? असली ज्ञान तो उसके पास है जो आत्मा कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, गर्भ से जन्म नहीं लेती, इसलिए त्रिकालदर्शी है, तीनों काल की ज्ञान। और आत्माएं जो हैं वो सब भोगी है, वो तो अभोक्ता है, निराकार शिव। तो जो अभोक्ता है वो इस सृष्टि पर आकर के किसको चुनता है? है आदम को चुनता है। किसको? जो मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी है उसमें प्रवेश करता है। कब प्रवेश करता है जल्दी बताओ? हा, तब ही प्रवेश करता है जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए थे, और उन साक्षात्कारों का जवाब उनके गुरु ने भी नहीं दे पाया, भले लिख दिया है किताबों में शिवोहम शिवोहम शिवोहम, साक्षात्कार करते जाते थे और बोलते जाते थे शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अरे जब तुम ही शिव हो तो फिर पूछने की क्या दरकार गुरु जी से? क्यों भटकते रहे दुनिया में, है? क्यों बाणारसी गए? मानचित्र बनाते रहते, समझ में कुछ भी नहीं आता, किसी विद्वान पंडित आचार्य ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो फिर उन्हें याद आया कि हमारा जो भागीदार है ना वो बड़ा प्रकांड विद्वान है, होशियार है, हमसे भी ज्यादा हीरों का पारखी है। तो उसके पास गए तो उन्हें समाधान मिल गया। तो समाधान तो उनको मिल गया कि हाँ, मेरे साक्षात्कारों का अर्थ ये है कि सफेद फूस ब्राह्मण का साक्षात्कार हुआ, माने मैं ब्रह्मा हूं और सत्य की सृष्टि में मुझे कृष्ण के रूप में जन्म लेना है, क्योंकि कृष्ण का भी साक्षात्कार हुआ और विनाश का भी साक्षात्कार, विनाश होना इस दुनिया का, अब टाइम आ गया। तो ब्रह्मा बाबा को अपनी भक्ति भावना के आधार पर पक्का निश्चय बैठ गया, और वो तो पकड़ लिया बात को। क्या क्या पकड़ लिया? कि ये साक्षात्कार मुझे हुए, मेरे को अनुभव है प्रैक्टिकल में, तो मेरे लिए लागू होते हैं। वो तो अपना डट गए। बाकी जिसमें प्रवेश करके साक्षात्कारों का अर्थ सुनाया उसने जाना है? उसने जाना ही। क्या नहीं जाना? कि मेरे अंदर जवाब देने वाला साक्षात्कारों का कौन था, वो नहीं जाना। और कब तक नहीं जाना? पांच दिसंबर 1969 तक नहीं जाना, जिसमें पहले पहले प्रवेश किया था साक्षात्कारों का अर्थ सुनाने के लिए, और गीता के श्लोकों को क्लेरिफिकेशन देने के लिए, क्योंकि बाप आते हैं ब्रह्म के तन में तो पहले तो ओम शब्द का उच्चारण होता है और फिर गीता ज्ञान ही सुनाते हैं। गीता ज्ञान ही सबसे पहला शास्त्र है दुनिया का, सर्वशास्त्र शिरोमणि। फिर उसके बाद जो और नामधारी आत्माएं हैं जिनमें प्रवेश किया, तो उनका नाम भी ब्रह्म ही हुआ ना, है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी पहले कोई माताएं थीं जिनसे ज्ञान सुनते थे, वो
उनमें बाप प्रवेश करते थे, ऐसे बोला है ना मुरली में। तो जिनमें प्रवेश करते थे वो भी तो ब्रह्मा हुए ना। तो लास्ट में जो ब्रह्मा प्रत्यक्ष होता है संसार में और अंत तक भी प्रत्यक्ष होता रहता है, क्योंकि साकार रूप में ब्रह्मा को देवता मानते हैं ना भारतवासी। वो देवता को देवता के रूप में मानने वाले भारतवासी साकार रूप में ब्रह्मा को मानते हैं, और जो विदेशी है वो तो किसकी पूजा करते हैं, किसकी ज्यादा मनोती करते हैं, है देवताओं की मनोती करते हैं या भगवान के प्रैक्टिकल रूप को पहचानते हैं या किसी और की ज्यादा मनोती करते हैं। मान मर्तबा किसको देते हैं, निराकार को मान मर्तबा देते हैं, उसको बिंदी है उसको कैसे पहचानेंगे जो मान मर्तबा देंगे, है क्या मान मर्तबा दिया जाता है ना, है? जैसे भारत में माँ बाप अपनी बेटी को किसी को सौंपते हैं शादी कर देते हैं तो जिसके साथ शादी करते हैं उसको बहुत मान मर्तबा देते हैं ना, पांव छूते हैं, मान मर्तबा दिया ना, बहुत चिरौरी करते हैं ना, अच्छे से बातें करते हैं ना, उनके साथ बारात में भी जो आते हैं उनसे भी बड़े मान मर्तबे से बात करेंगे। तो निराकार को पहचानने वाले धर्म पिताएं कैसे मान मर्तबा देंगे बिंदी को, निराकार को देंगे नहीं दे सकते, तो किसको मान मर्तबा देते हैं जो प्रैक्टिकल पार्ट भी बजाते हैं। अरे राम 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 राम, भैया हमें क्या मालूम, आदम को मान मर्तबा देते, आदम वो तो भूले हुए हैं पूरा ही, कह देते हैं आदम आदम आदम, नाम और बदनाम कर दिया दुनिया में, कि जो अल्लाह ताला ने मना किया था वही काम आदम ने कर लिया, है सत्यानाश कर दिया बेचारे का, तो मान मर्तबा देना होगा। अरे भाई, फरिश्ताओं को भूत प्रेतों को मानते हैं और वो भूत प्रेत प्रवेश भी करते हैं, प्रवेश करके प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं कि नहीं, नहीं बजाते, बजाते, तो वो वहां तक उनकी पहुंच है। इसलिए ब्रह्मा बाबा जब शरीर छोड़ देते हैं सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं तो वो ही मुसलमानों में गाए जाते हैं जब्राइल, कैसा आयल माने ऊर्जा, आयल माने ऊर्जा और जबर माने जबरदस्त आयल, जैसे तेल होता है ना तो ऊर्जा होती है, डीजल का तेल होता है, पेट्रोल होता है, होता है ना, केरोसिन होता है, पावर होती है ना, केरोसिन से भी स्टोव जलते हैं ना खाना बनाने के, है ना, तो वो पावर है नंबर वार तेल कहा जाता है। बढ़िया से बढ़िया तेल होता है दुनिया में कौन सा, जो हवाई जहाज में डाला जाता है, बहुत बढ़िया रिफाइंड तेल, और उससे भी बढ़िया उसमें डाला जाता होगा जो ऊपर सैटेलाइट छोड़ते हैं ना, है जिसके द्वारा छोड़ते हैं, वो ज्यादा तीखा ले जाने वाला पावरफुल होता है ना यंत्र क्या, हाँ, तो सबसे जबरदस्त आयल उसे बता दिया किसे, हाँ, ब्रह्मा वाली आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो उस जबराइल को ही मानते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो तुम किसको भगवान मानते हो, तो कहेंगे सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ता है और प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है प्रवेश करके, हम उसको ही मानते हैं। तो कौन से धर्म में कन्वर्ट होने वाले हुए, हा? कहेंगे इस्लाम धर्म में, मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में कन्वर्ट होने वाले हुए। अरे जो जिसको मानते हैं उसी को ही पूजेंगे ना,
गीता में तो लिखा हुआ है, या भूत प्रेतों के पुजारी भूतों को मिलते हैं, भूतों से प्राप्ति करते हैं। देवताओं के पुजारी देवताओं को मिलते हैं, देवताओं से प्राप्ति करते हैं, और मेरे पुजारी मेरे को मान्यता देने वाले मेरे से मिलते हैं। तुमसे कैसे मिलेंगे, तुम तो बिंदी निराकार, कैसे मिलेंगे है? कोई मुकर्णर रथ है, भले ब्रह्मा ढेर हैं जिनके तन में प्रवेश करते हैं, उनका नाम ब्रह्मा तो देते हैं, लेकिन कोई पहला नंबर होगा ना महत ब्रह्म, तो जिसको परम ब्रह्म भी कहते हैं, सबसे ऊंचा, इस सृष्टि में पार्ट बजाने वाला, कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, छोटा मोटा ब्रह्म नहीं, तस्मै श्री गुरु। तो विद्वान पंडित आचार्यों ने समझ लिया कि ब्रह्मलोक ही परम ब्रह्म है। अरे वो ब्रह्मलोक तो सुप्रीम सोल के परमानेंट रहने का स्थान है, लेकिन इस सृष्टि पर भी वो जिसमें प्रवेश करता है वो भी परम ब्रह्म की स्टेज को धारण करता है। जैसे परम धाम सुप्रीम एबोर्ड अर्श जहां आत्माएं रहती हैं, उतरती हैं इस सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए, तो वो परम धाम ब्रह्मलोक सुप्रीम एबोर्ड अर्श वो तो परमानेंट है ही है, जहां शिव की सोल परमानेंट रहती है और सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली मनुष्य आत्माएं देव आत्माएं भी वहां रहती हैं और नंबरवार उतरती हैं। इसीलिए दुनिया की आबादी बढ़ती है, क्या हमेशा बढ़ती है कि घटती भी है कभी, हमेशा बढ़ती है। तो कहां से आती है ये आत्माएं, जरूर कहीं से आती है ना, तो यहां से आत्माएं आती हैं, वो तो है आत्माओं के रहने का स्थान, और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जोड़ी कीड़े मकोड़े प्राणी मात्र हैं, सबकी आत्माओं के पार वो आत्माओं के रहने का स्थान है, बिंदु बिंदु आत्माएं वहीं रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल पार्ट बजाती है, सृष्टि के आदि से लेकर क्या कल्पांत काल में आता है ना शिव, तब से लेकर जब तक कल्पांत होता है महाविनाश सृष्टि का, तब तक और उसके बाद भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच को छोड़ती नहीं, तो फिर कहां जाती होगी, कहां रहती होगी है? अरे कहीं रहती है या नहीं रहती है, मुकर्रर रथ है जो पुरुषार्थ करके एकदम उसी नस नस में ज्ञान भर जाता है, उसके अणु अण में, क्या शरीर के अणु है ना पंच तत्वों के, अणु अण में रोशनी भर जाती है, योगाग्नि भर जाती है, तो वो उस योग अग्नि का जो स्वरूप है उसे लिंग कहते हैं, नाम भले देते हैं शिवलिंग क्या, लेकिन वास्तव में पूछा जाए तो क्या शिव को लिंग होता है, अरे शिव को तो लिंग ही नहीं होता, वो तो निराकार है, इंद्रिया कहां से आई, तो जिसमें प्रवेश करता है वो है लिंगधारी, और उस लिंग के काम के आधार पर ही पहचाना जाता है कि वो अमोघ वीर्य है, क्या उसकी शक्ति छीन नहीं होती, कौन सी पढ़ाई से, राजयोग की पढ़ाई से, तो ये राजयोग की पढ़ाई पढ़कर
वो इतना पावरफुल बन जाता है कि इस मनुष्य सृष्टि में पार्ट तो बजाता है इंद्रियों से, लेकिन लेकिन किसी से प्रभावित नहीं होता। जैसे शिव इस सृष्टि पर आता है तो जिसमें प्रवेश करता है पतित से, पतित तन में, पतित दुनिया में रहता है, पतितों के बीच में रहता है, तो भी किसी से प्रभावित नहीं होता, तो उसको कहते हैं अक्षर, जो कभी क्षरित नहीं होता। अरे वो तो चलो एक जन्म के लिए इस सृष्टि पर आया, लेकिन इस सृष्टि पर ऐसी आत्मा कौन है जो सभी जन्मों में पार्ट बजाती है, फिर भी क्षरित तो होती है लेकिन औरों के मुकाबले धीरे धीरे क्षरित होती है, इसलिए पावरफुल बनी रहती है हर जन्म में और हीरो पार्ट बजाती है। तो ऐसी आत्मा जो मनुष्य सृष्टि के बीच में अक्षर मानी जाती है, अनंत अनादि मानी जाती है, बहुत पावरफुल मानी जाती है, वो आत्मा योगी ईश्वर कही जाती है। क्या? योगियों का ईश्वर, ज्ञानेश्वर नहीं। ज्ञानेश्वर ज्ञानियों का ईश्वर शिव है, वो उससे भी ज्यादा ज्ञानी है, क्योंकि शिव त्रिकालदर्शी है, तीनों काल का ज्ञाता है, भूत भविष्य वर्तमान, और जिसमें प्रवेश करता है वो तो जब प्रवेश करता है बस वर्तमान का ज्ञाता होता है। क्या? वर्तमान में भी सच्चाई का ज्ञाता होता है, सत्य क्या है असत्य क्या है वो जानता है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे जास्ती सत्य कौन है और सबसे जास्ती असत्य कौन है? कोई है जो तो सबसे ज्यादा सच्चा है और सबसे जास्ती झूठा भी है, सबसे जास्ती पतित भी है और सबसे जास्ती इस दुनिया में पावन भी है, कौन है? कोई है या नहीं? उसी के लिए गीता में कह दिया सत्य असत्य, सत्य भी है और असत्य भी। तो वो जो झूठे हैं दैत्य, झूठ झूठी दूसरी दूसरी बातें सुनाते हैं, सच्चाई नहीं सुनाते, दूसरी बातें सुनाते हैं तो दूसरा धर्म स्थापन करते हैं ना, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें चला देते हैं ना, तो वो द्वैतवादी जो झूठे हैं उन झूठों का भी बाप बन जाता है। क्या बन जाता है? झूठों का भी बाप बन जाता है, तो सच्चों का भी बाप बन जाता है। उसमें अच्छे से अच्छी पावर भी भरी हुई है और बुरे से बुरी पावर भी भरी हुई है, इसलिए वो असुरों को भी मान्य है इस दुनिया में। शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा एक ही देवता है जिसको राक्षस भी मानते हैं, दैत्य भी मानते हैं, मनुष्य भी मानते हैं, ऋषि मुनि भी मानते हैं, देवताएं भी मानते हैं। क्या? वो एक ही है इस दुनिया में जिसको सब मानते हो, तो वो ही है इस मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, शिव शंकर। उस शिव को सारी दुनिया मानती है, देवताएं भी निराकार को मानते हैं, साकार को भी मानते हैं, मानते हैं कि नहीं? और जो राक्षसी आत्माएं दुख देने वाली हैं वो भी निराकार को मानते हैं, तो निराकार को तो सब मानते हैं, लेकिन इस सृष्टि पर भी कोई ऐसी पार्टधारी आत्मा है जिसको सब मानते हैं। कैसे मानते हैं?
ऐसे कोई थोड़े किसी को मान लेता है। कोई राजा है, कोई राजा तो स्वाभिमानी होते हैं ना, उनसे अरे क्या तुम्हारी राजाई है, क्या तुम राजा हो, हमारा राजा देखो कितना पावरफुल है, हैं देखे कैसे पावरफुल है, तो क्या करेगा, आक्रमण करेगा ना, लड़ाई करेगा ना, तो बस युद्ध होता है और युद्ध में जो जीत जाए वो ज्यादा पावरफुल। तो ऐसे ही एक आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर है जो महाविनाश काल में सभी आत्माएं एक दूसरे से लड़ती हैं, संघर्ष होता है सबका सबके साथ, सबके विचार किसी से एक दूसरे से पूरे मिलते ही नहीं। क्या तो मिलते हैं क्यों, महागौरी लक्ष्मी के नहीं मिलते होंगे, है मिलते हैं, नहीं मिलते, अरे अच्छा कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, तो जब नहीं मिलते हैं तो किसी से तो मिलते होंगे, हैं तो जिससे मिलते हैं वो समझ लो उसके अधीन हुई कि नहीं है, तो जिससे विचार मिलते हैं कोई संकल्पों में भी युद्ध नहीं होता, तो ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के युद्ध की तो बात ही नहीं। तो जो दुनिया की सबसे पावरफुल आत्मा है वो इस सृष्टि में युद्ध में सबको हराए देती, क्या और हरा करके विश्व की बादशाही अपने हाथ में ले लेते। इसलिए इस दुनिया की कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो उसे पसंद आ जाए हमेशा के लिए। क्यों, अरे एक आत्मा तो पसंद आनी चाहिए, नहीं हा? काशी नगरी पसंद आनी चाहिए, क्यों काशी नगरी क्यों पसंद आनी चाहिए, वो राक्षस नहीं बनती है, कभी यक्ष नहीं बनती है, वित्तेशो यक्ष राक्षसम, बीज रूप आत्माओं में हीरो पार्टधारी को छोड़कर सबसे पावरफुल नहीं है, तो सबसे जास्ती पावरफुल है निराकारी स्टेज वाली है, तो वो आत्मा जो निराकारी स्टेज वाली पुरुष है वो पुरुष स्वभाव संस्कार वाली आत्मा पुरुष के ज्यादा जन्म लेगी या नहीं लेगी द्वापर कलयुग में, है लेगी ना, तो राक्षसी काम ज्यादा करेगी कि नहीं करेगी, तुम्हारा भला हो तो पसंद आनी चाहिए, है आत्मिक स्टेज में पसंद आनी चाहिए। अच्छा दूसरी बात, राज करेगा खालसा, ब्रह्मा वाली आत्मा जो ज्ञान चंद्रमा है उसके ऊपर तो धरती माता का परछाया सबसे जास्ती पड़ता है, वो तो उसके अंडर द कंट्रोल आ जाती है ना, और धरती माता सारी सृष्टि पर राज करती है, करती कि नहीं, राज करेगा खालसा, तो काशी मां वाली आत्मा भी उसके अंडर द कंट्रोल आती होगी या नहीं आती होगी, है नहीं आती होगी, अगर नहीं आती है तो राज करेगा खालसा गलत। कोई कहे अरे विश्व का मालिक तो शिव बाबा बनता है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, उसको कैसे कंट्रोल कर लेगी, अरे उसके कंट्रोल करने की तो बात ही नहीं, वो तो आत्मा बन गया, आत्मा को तो किसी के कंट्रोल में रहना भी नहीं है और किसी को कंट्रोल करना भी नहीं है, उसका तो नारा है स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहना, वो क्यों राजा ही करेगा किसी, क्या विश्व की बादशाही लेना है तो ये हाय 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 वाली दुनिया की राजा ही लेना है क्या,
अरे विश्व की बात सही लेना है तो बढ़िया से बढ़िया दुनिया की लेनी है, जहाँ वाह 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 के सिवाय कुछ होता ही ना हो। जो मुसलमान है जो क्रिश्चियन है वो भी वाह वाह करते हैं, जन्नत आहा, क्या हेवन, कितना मान देते हैं। तो उस दुनिया की बादशाही करने में ज्यादा मजा है या ये हत्यारी दुनिया हत्या करने वाले उनमें ज्यादा मजा है दुख देने वालों में? नहीं, वो तो राजा ही पसंद ही नहीं करती। हाँ, राजा ही की जिसे चाह होती है, क्या, क्योंकि द्वापर युग से क्या हो जाता है, प्रकृति माता को धरणी माता को सब पॉल्यूट करते हैं कि उसके अंदर में चलते हैं, है पॉल्यूट करते हैं, तो उसे राजा ही तो कभी मिली नहीं, क्या, तो उसे आस रहती है कि भगवान आएगा तो मुझे जरूर राजा ही देगा। तो भगवान तो सबकी आस पूरी करते हैं ना, तो उसकी भी आस पूरी होती है, लेकिन उसकी आस जो पूरी होती है उसको मान्यता देने वाले सिर्फ सिख लोग हैं, क्योंकि अंतिम कलयुग में सिखों की राजाई चलती है। कौन राजा हुआ? रणजीत सिंह। कितने साल पहले? 100-200 साल पहले, ज्यादा से ज्यादा। तो कलयुग के अंत समय में भी जो भारत का बड़ा प्रखर है, बड़ा राजा माना जाता है, यथा राजा तथा प्रजा, तो वो राजा की मान्यता है, राज करेगा खालसा। तो अंतिम समय की राजाई इस सृष्टि की मिलती है और सारी मनुष्य आत्माओं के ऊपर वो कंट्रोल करती है। क्या शिव शंकर भोलानाथ कहा जाता है, वो किसी को कंट्रोल नहीं करते। हाँ, ये जरूर है कि जब सारी सृष्टि प्रकृति के टोटली कंट्रोल से बाहर हो जाती है, क्या प्रकृति का ही ध्वंस करने लग पड़ती है, बड़े बड़े एटम बम फूटते हैं तो धरती माता का ध्वंस होगा या नहीं होगा? है, ध्वंस होता है, भयंकर ध्वंस होता है। तब फिर क्या करता है वो, है जिसका नाम है विनाशकारी देवता? कौन सा देवता? सबसे बड़ा विनाश करता है, इतना बड़ा विनाश कोई भी नहीं कर सकता, प्रकृति भी नहीं कर सकती। कौन करता है? 7 दिन का जो टाइम है, जो मूसलाधार बरसात कब होती है, जब इस सृष्टि पर जोर जोर से लगातार धाड़ पाड़, जैसे दिवाली पे आखिर में क्या करते हैं, सारे इकट्ठे झोंक देते हैं, सारे बम्बों को फोड़वाई देता है। अरे ये सारे बम कैसे फूट जाते हैं? 1945 के बाद आज तक तो किसी वैज्ञानिक में या जिस एटम बमों की चाबी जिसके हाथ में हो कंट्रोलर के, उनमें तो किसी में दम आई नहीं। तो ऐसा क्या होता है जो उनमें दम आ जाती है और वो फोड़ देते हैं, चाबी खोल देते हैं एटम बम फोड़ने के लिए? हा, वो शंकर है, योग बल से उनकी बुद्धि को प्रेरित कर देता है। क्या उसे क्या कहते हैं? वशीभूत करने की शक्ति, वशीकरण मंत्र। कौन सा मंत्र? उसको कहते हैं महामंत्र।
ऐसा महामंत्र जपता है कि सारी सृष्टि खलास हो जाती है। तो नई दुनिया बनाने वाला भी वही और पुरानी दुनिया ध्वंस करने वाला भी वही और शिव समान बनने वाला भी वही। जे जानोते ही देव जनाई और जानत तुम्हें ही हुए जाए। तुमको जिसने जान लिया वो तुम्हारे समान ही बन जाता है। तो वो एक ही है जो शिव को पूरी तरह जान लेता है और शिव ही बन जाता है, इसलिए उसका नाम शिव के साथ जोड़ दिया जाता है। तो उस शिव शंकर भोलेनाथ की याद के सिवाय कोई आत्मा पवित्र नहीं बन सकती। आत्मा अपवित्र बन गई ना तो क्या करना पड़े, किसको याद करना पड़े? धर्म पिताएं कहेंगे हम भी उसी को याद करेंगे जो सदा पवित्र है, इस सृष्टि में आने के बाद भी पवित्र है, हम तो उसी को याद करेंगे तो पवित्र बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि कल पहले भी वो देह अहंकार में जन्म जन्मांतर रहे और उन्हें पता ही नहीं चला कि हम देह अहंकार में रह रहे हैं, इसलिए नीचे कर रहे हैं। और शूटिंग पीरियड में भी वो लंबे समय तक देह अहंकार में रहते हैं। क्या देह अहंकार? अरे हमारा पार्ट खुल गया, हम क्राइस्ट की आत्मा है। 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस हमारे अंडर में चलते हैं। तो अहंकार आएगा कि नहीं? अहंकार आता है और लंबे समय तक अहंकार के कारण वो अपनी गद्दी को छोड़ नहीं पाते। गद्दी का अहंकार रहता है, अपने प्रजापिता पने का अहंकार रहता है। तो शूटिंग पीरियड में भी लंबे समय तक अहंकार होने के कारण वो ज्ञान को उठाते ही नहीं। और जब ज्ञान अर्थात पहचान ही नहीं होगी बाप के स्वरूप की, तो याद कैसे करेंगे? निराकार को याद करेंगे क्या? अरे 2500 साल तुमने निराकार ज्योतिबिंदु अपनी आत्मा को याद किया, जानते ही नहीं थे तो याद कहां से करेंगे? तो कमजोर पड़ जाते हैं। क्या बरबस ही उनको वो साकारी स्वरूप को ही माथा टेकना पड़ता है। इसलिए मुरली ने बोला ये धर्म पिताएं पैगंबर भी आएंगे तुम्हारे सामने माथा टेक करके जाएंगे। तो बोला अगर अपवित्र न बन सकती आत्मा तो फिर सोना वही 9 कैरेट से तुम कोशिश करते ही कितनी भी कोशिश करो बन ही नहीं सकते थे। किसके संग के रंग से बनते हो? जो 100% प्योर सोना और प्योर सोने से भी बढ़कर सोने से भी जास्ती कीमती हीरा है, तो उस हीरे की याद से जो आत्मा आत्मिक स्थिति में पक्का पक्का स्थिर हो जाती है वो हीरे जैसी बनती है और बाकी आत्माएं सोने जैसी बनती है। तो अगर नहीं याद करेंगे तो उसमें खाद बची जाएगी। किसको किसको याद करने की बात है? सिर्फ निराकार को या सिर्फ साकार को? है? अरे आत्मा सुख भोगेगी तो अकेली निराकार आत्मा सुख भोगेगी या साकार शरीर के साथ सुख भोगेगी? प्रवृत्ति में रहकर सुख भोगेगी ना, प्रवृत्ति में ही संतान पैदा होती है ना, प्रवृत्ति से ही सृष्टि चलती है ना। तो शिव निराकार और साकार मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, दोनों की प्रवृत्ति होती है जिसकी यादगार शिवलिंग सारी दुनिया की खिदाइयों में मिला है। कहते हैं 5000 वर्ष पुरानी लिंग मूर्तियां भी मिली हैं, है? सबसे जास्ती तादाद में वो मूर्तियां मिली। माना कोई दुनिया में ऐसा भी टाइम था जब सारी दुनिया ने उस निराकार स्वरूप की यादगार को सर्वोपरि माना था। तो वो याद नहीं करेंगे
तो फिर खाद बच जाएगी बच्ची, तो फिर कुछ काम का नहीं रहा। क्या कहा? खाद बच जाती है, मान लो किसी ने बिल्कुल ही नहीं याद किया तो क्या होगा? 500 700 करोड़ में आत्मा के रूप में जन्म लेगा। क्या मक्खी मच्छर जैसे, वो भी नहीं, कीटाणु होते हैं, अभी आए अभी खत्म हो गए। जैसे पतंगे होते हैं ना दीपावली पर, रात में कितने आ जाते हैं, सवेरे को सब खलास। तो ऐसी आत्मा का पाठ बजाएंगे। ओम शांति।